So guys, Saturday Point News, #31 में आपका स्वागत है। हाँ हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर हफ्ते भर में हुई टीवी इंडस्ट्री, हॉलीवुड इंडस्ट्री और भी ओटीटी इंडस्ट्री में जो भी कांड होते हैं उनको हम इन्फॉर्म करते हैं। Well, इस हफ्ते मार्वल से भर भर के इंटरेस्टिंग अपडेट्स आए हैं, उसके मैं रील पोस्ट करने वाला था लेकिन मुझे अल्टीमेटली टाइम नहीं मिला। सो एंड यार, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको कहना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इंडिया को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, प्लीज यार कर लो, क्योंकि आप देख रहे हैं मुझसे गलती से इंट्रो डिलीट हो गया और मेरे पास अभी कोई एक तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, दूसरा पूरी मूवी में सिर्फ दो ही एक्शन सीक्वेंस है, मतलब दो ही बार मार धाड़ होती है और मूवी की स्क्रिप्ट काफी ज्यादा वीक है। तो जब केविन फाइगी ने खुद स्क्रिप्ट की उसने कहा हाँ बे, तो इमीडिएटली डायरेक्टर को मूवी से निकाल दिया और जितनी भी शूटिंग हो चुकी थी, लगभग पूरी मूवी हो चुकी थी, अब वो कुछ नहीं रखा जाएगा। अब इसलिए एक नए सिरे से काम होगा जिसके लिए मून नाइट के राइटर्स को अपॉइंट किया गया है सारी मूवी दोबारा लिखने के लिए। और नया डायरेक्टर कौन होगा प्रोबेबली अभी तक किसी को नहीं पता, इसलिए मूवी एक साल के लिए तो डिले हुई ही हुई समझो। और अगर मूवीज की ही बात करें तो आमा वॉज, जो कि मार्वल स्टूडियोज की सीरीज होने वाली थी पहले, अब वो एक मूवी होने जा रही है। अब बात करें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से, तो पहले इसका रन टाइम रिवील हो चुका है, ये मूवी 2 hours 41 minutes बड़ी होगी। और साथ ही साथ ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से ये नए स्टिल्स और ये नए लुक्स रिवील कर दिए गए हैं। और वहीं पर सोनी की आने वाली एनिमेटेड मूवी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स कुछ लुक्स रिलीज की गई हैं फंक पॉप के जरिए। थोड़ी सी ही डिज्नी प्लस की और बात करें तो अभी लंदन में सीक्रेट इन्वेजन के रीशूट्स चल रहे हैं। और सबसे आखिर में मार्वल स्टूडियोज हेलोवीन स्पेशल वेयरवुल्फ बाय नाइट का रन टाइम रिवील कर दिया गया है, जो कि होने वाला है 52 minutes 37 seconds। तो यार, मेरी फेवरेट मूवी फ्रेंचाइज, वन ऑफ द फेवरेट मूवी फ्रेंचाइज प्लैनेट ऑफ द एप्स, इसको रिन्यू कर दिया गया है और हमको पहली झलक मिल चुकी है नेक्स्ट प्रोजेक्ट की, जो है किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। और मैं बता नहीं सकता, ये काफी कूल लग रहा है। तो यार, अब बात करें हिंदी डब्स की, तो बीस्ट मूवी अब हिंदी में अवेलेबल है Amazon Prime Video पर। केट विंसलेट और जोश ब्रोलिन की लेबर डे, जो कि अब हिंदी में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। और दूसरी मूवी है दो दिल, जो कि अब हिंदी में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स ऑस्ट्रेलिया पर। हाँ, इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट एनीवेज डिस्ट्रॉयर 2018 अब हिंदी में अवेलेबल है Amazon Prime Video इंडिया पर। एक बड़ी मूवी जो कल Amazon Prime Video इंडिया पर अवेलेबल होगी हिंदी में, द राउंड अप 2022। और एक सबसे बड़ी मूवी बुलेट ट्रेन अब हिंदी में अवेलेबल है Amazon Prime Video ऑस्ट्रेलिया पर। ये मूवी अगस्त में रिलीज हुई थी, साथ ही साथ ये ब्रैड पिट की है। और साथ ही साथ एना द आर्मास की ब्लंड मूवी हिंदी में अवेलेबल है और 6 episodes हिंदी में, दोनों ही नेटफ्लिक्स पर।